नमस्कार साथियों, मुझे यकीन है कि आप सभी ने बचपन में ना केवल खिलौनों से खेला है बल्कि कुछ दिलचस्प खिलौने बनाए भी हैं। खेल और खिलौने बच्चों को उस दुनिया में ले जाते हैं जहां चीज़ें उनकी शर्तों पर होती हैं और खेल खेल में वे बहुत कुछ सीखते भी हैं। यही कारण है कि खिलौनों को एक उपयोगी शिक्षण संसाधन समझा जाता है। दिलचस्प तरीकों से अनुभवात्मक सीख को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों का उच्च माध्यमिक शिक्षा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या इन खिलौनों का उपयोग भाषा की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं? साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर भाषा सीखने में खिलौने हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। यहाँ मेरे साथ मेरी सहयोगी सहकर्मी हेमा भी हैं जो आपके साथ अपने विचार साझा करेंगी। हेमा, पहले तो आप हमें ये बताएंगी कि हमारे भाषा में चार कौशल कौन से होते हैं और पहले कौशल कौन है जो आप खिलौने के द्वारा बच्चों को सिखाएंगी? बिल्कुल, जैसा कि भाषा शिक्षण जिसको सीखने के लिए हम चार कौशलों का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले श्रवण, वाचन, पठन और फिर लेखन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल अर्थात जो आपने सुना है उसका कितना अर्थ आप ग्रहण करते हैं। तो सुनी गई जानकारी के आधार पर हमारे जो विद्यार्थी हैं कक्षा में कितना अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, हमें ये जांचना होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं, हम कक्षा 10वीं का एक पाठ लेते हैं, बाल गोविंद भगत जी, वो हमारा एग्जाम्पलर भी उसी पर है। तो उसमें जो हमारे लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में उनका बखान किया है, जहाँ पर उनको दिखाया गया है कि वो बहुत ही एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसे में जब हम बच्चों को उनकी सारी जानकारी देंगे कि जो हमारे लेखक हैं वो कैसे दिखते थे, उनकी सारी आंतरिक विशेषताएँ बताएंगे, जैसे कि वो एक कबीरपंथी थे, नाकबंदी, तिलक लगाया करते थे, और यहाँ तक कि जो वस्त्र हैं वो उनके बहुत ही साधारण, एक सफ़ेद धोती पहना करते थे, तुलसी की माला, तुलसी की माला जो तुलसी की जड़ की माला होती है वो पहना करते थे। यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि उनको साधु नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर साधु कोई केसरी वस्त्र नहीं, ना ही कोई बड़ी बड़ी जटाएं, बल्कि साधु उनके चारित्रिक गुणों के आधार पर उनको ये नाम दिया है। तो इस प्रकार जो बच्चे ये जानकारी सुन रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कितने ध्यान से उसको सुन पाया है। तो ऐसे में हम एक ये काम कर सकते हैं कि हम बच्चों को अगर ये बोलें कि आप अपने साथ गुड्डे गुड़ियों को लेकर बैठें, एक गुड्डा लेकर बैठें, अब जो भी आपने सारी चारित्रिक विशेषताओं को सुना है, जो बाहरी आंतरिक विशेषताओं को सुना है, आपको वही रूप उस खिलौने को देना है। कितने मजे की बात है, सुन के उन्होंने बनाया उस खिलौनों को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये गाँव का दृश्य है। गांव के दृश्य में किसान हैं, बैल हैं, और यहाँ पे किसान हैं, और ये बच्चों ने सुना कक्षा में, जो हमारी अध्यापिका है उन्होंने बताया, और बच्चों ने गुट में बैठ के ये सारा चीज बनाया। तो ये पूरा ग्रामीण दृश्य आप देख सकते हैं, बच्चे सुनकर वो उस कल्पना में चले जाते हैं और उसको वो आपके सामने उसका चित्र अंकित कर सकते हैं। तो ये बहुत मजेदार, ये हमारा पहला कौशल हुआ श्रवण कौशल। दूसरा कौशल होता है वाचन। वाचन माने जो आपके विचार हैं, जो आपकी अंदर जितने भी इमोशंस हैं, आप किस प्रकार उसको भाषा में बोल पाते हैं। जब आपने अपने अध्यापिका से सुना कि किस प्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत का पूरा वर्णन दिया है, जब वो बच्चे ने सुन लिया, उसके बाद बच्चे ने उस खिलौने को अपने हाथ में लिया और कक्षा में उसके बारे में बताया, उससे क्या होगा कि जो उसके विचार हैं उसको उसने अलग स्वरूप दे दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अध्यापिका को उस समय कोई भी जजमेंट, कोई असेसमेंट नहीं करनी है, तभी बच्चे वाचन में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा कौशल होता है हमारा पठन कौशल। पठन कौशल, पठन कौशल माने पढ़ने की सामग्री। बिल्कुल। पढ़ने की सामग्री जितना आप बच्चों को देंगे, लोक कथाओं को उनके सामने देंगे, कहानियों को उनके सामने देंगे, बच्चों ने उसको पढ़ा, और पढ़ के जब पाठ के साथ क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, नए शब्द कौन से प्रयोग हुए हैं जो आप बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक खिलौने के माध्यम के द्वारा ही हमने तीन कौशलों को पूरा हमने कवर कर लिया। चौथा कौशल क्या है माँ? वो है हमारा लेखन कौशल। अब जब हम बात करते हैं लेखन कौशल की, तो शिक्षक होने के नाते मेरा उद्देश्य ये होता है कि हमारे बच्चों में सृजनात्मकता और रचनात्मकता आए। सही बात। पर वो सृजनात्मकता और रचनात्मकता तभी आ सकती है जब उन्होंने ऐसे अनुभव लिए हों।
और ये अनुभव हम उन्हें कक्षा में बड़ी आसानी से दे सकते हैं खिलौनों के माध्यम से। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो घर बना हुआ है, यहाँ बच्चे घर में रखी पुरानी जैसे कबाड़ से जुगाड़ इन वस्तुओं का प्रयोग करके बना सकते हैं और इसी को अपने अनुभव जो स्वनिर्मित खिलौनों का जो अनुभव होगा वो लिखकर भी दिखा सकते हैं। हेमा, इसके बारे में तीन गतिविधियां बताओ जो हमने सोची थी। बिल्कुल मैम, यहाँ पर अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, आप देख सकते हैं ये सभी हाथ के बने हैं, खिलौने हैं। तो इसमें यहाँ पर गुड्डे गुड़ियाँ और इनके द्वारा हम, मान लीजिए अगर मैं इसको ले लेती हूँ, एक खिलौना जो मैंने बनाया और एक खिलौना जो आपने बनाया, अब हम इन दोनों के बीच में एक काम कर सकते हैं और वो होगा हमारा संवाद। संवाद, माँ और बेटी का संवाद। आप ये देखिए जो पाठ में पढ़ा, जो हमने बच्चे ने बनाया और संवाद हो गया, ये तो एक बहुत अच्छी गतिविधि, बहुत मजेदार गतिविधि हो सकती है। और इसके अलावा क्योंकि बच्चे जो हैं उनके जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा जो होता है वो होता है नाटकीयकरण, जो कि बिल्कुल अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ कोई शर्तें नहीं है, वहाँ सब उनका अपनी एक वास्तविकता, एक अलग ही दुनिया और होती एक है। बहुत ही रोमांचक सब अनुभव होता है। तो यहाँ पर मैं इनको एक अलग पात्र बना सकती हूँ, अगर मुझे कोई कहानी बुननी है तो मैं इनको अपना कोई भी पात्र बनाकर एक नाटक करा सकती हूँ। यही नहीं, इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ माचिस की डबियाँ हैं, आपने उनको एक पंक्ति में लगा दिया तो वो एक रेलगाड़ी का काम करती है। तो इसी तरीके से ये रेलगाड़ी नदी पार करते हुए, जंगल से होते हुए जाती है। अब आपने ये बात देखी कि ये जो हमारी रेलगाड़ी है ये पटरी पर नहीं चल रही है, ये सड़क पर चल रही है। जब वो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो वास्तविकता से बहुत दूर अपनी कल्पना की दुनिया बनाते हैं। तुम ये देखो कि यहाँ इस बच्चे ने, ये कक्षा 10 के बच्चे ने ही बनाया है, जब उसने पाठ सुना और उसने ये बनाया। अब इसको देख कर गुट में जब बच्चे बैठे हुए हैं तो उन्होंने इसको देख कर कहानी बनाई, कहानी में अपने पात्र डाले, कहानी की जो एंड है, जो कहानी का अंत है, उसको बदल दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेखन का हो सकता है। एक और हमने सोचा था जिसमें खिलौने अगर टूट जाए तो वो बात कर सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने भावों को लेकर आ सकते हैं। जो मान लीजिए अक्सर होता क्या है, जब कोई खिलौना हमारा टूट जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं और एक नए खिलौने की मांग करते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जो वो खिलौना टूट गया और हमने उसको फेंक दिया तो उस खिलौने के मन में क्या भाव होंगे, तो ये हमें बता सकते हैं बच्चे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा वो खिलौना बनकर अपने भाव उसके दर्शाए, अपने भाव उसमें डाला है। तो मित्रों और साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को समझें कि खिलौने सिर्फ खेलने के एक साधन नहीं है, उससे हम अपने भाषा के चारों कौशल को बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। और एक लाइन, एक पंक्ति मुझे हमेशा याद रहती है, वो है खेल खेल में खुशी खुशी, खुशी से खुशी, तो खिलौने हमें खेल खेल में खुशी खुशी से बहुत ही सीखने का मौका देते हैं। धन्यवाद।